है या तुम दुआ? अब सारा जो सबके साथ अच्छाई करने पर तुली हुई है, लेकिन उसे बदले में सिर्फ और सिर्फ इल्जामात ही मिल रहे हैं। अब सारा को ये बात समझ जाना चाहिए। लेकिन अब सारा फिर से दुरैया के हाथों जलील हो चुकी है। अब की बार सारा सब रिश्तों को भुला देगी और फैसला कर लेगी कि अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद के लिए जिएगी और अपनी माँ को लेकर अलग घर में शिफ्ट भी हो जाएगी। बहुत जल्द सारा और दानियाल की शादी होती दिखाई जाएगी। सारा और दानियाल तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि सारा अब वहाज को भी माफ़ नहीं करेगी, जबकि दुरैया की हकीकत भी वो असल सामने आने वाली है, जो उसके घर में चोरियाँ हुई हैं और जो आज तक सारा पर इल्जामात लगाते जाते हैं। दुरैया खुद अपने मुंह से सबको बताएगी कि वो सब मेरे काम थे और मैंने सारा पर इल्ज़ाम लगाए थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, कोई भी सारा को ढूंढ नहीं पाएगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे ड्रामा रेव्यू उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मुझे लाइक उनको दबा लें, ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बहुत आसानी और वक्त पर मिलता रहे। शुक्रिया।